सुनो, मैं जा रहा हूँ एक और शादी करने, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, अच्छे से शादी करिएगा। ओके बाय। अरे आप लोग आ गए, तो आज हम जिस मूवी का रिमास्टरेशन करने वाले हैं उसका नाम है नसीब अपना अपना। ये मूवी 1982 में आई एक तमिल मूवी का रीमेक थी। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो नकल, मतलब सालों ने एक परसेंट दिमाग नहीं लगाया यार इस मूवी को बनाने में। Idiot. अगर तमिल वर्जन में शादी के टाइम पे ये इफेक्ट यूज किया गया था तो हम भी वही यूज करेंगे। अगर तमिल वाली मूवी में ये अननेसेसरी सीन था तो हम भी वही डालेंगे। और अगर तमिल वाली मूवी में हीरोइन के बाल सारी चुटिया थी तो हम भी वही रखेंगे। एक चीज जो बेटर थी तमिल वाले वर्जन में वो थी उसकी एंडिंग, और हिंदी वाले वर्जन में उसको भी सालों ने खराब कर दिया। अगर अच्छी एंडिंग कर देते तो मूवी अच्छी नहीं बन जाती। मारो मुझे, मैं कैसा मारूं? इस मूवी का सबसे एनोइंग कैरेक्टर मुझे बालधारी चोटी वाली दीदी लगती है। तेरी चिटिया देख के तो बेहोश हो जाएगा। मतलब ये एक्चुअल में गेहूं रंग की है, बट मूवी में इन्हें अगली दिखाने के लिए इन पे कालिक पोती गई है। और भाई साहब इनकी हरकतें, ये अंगूठा चूसते चूसते सोती है, कुछ इस तरीके से बोलती है। तनी अपना नाम तो बताओ। चंदो। अरे शिवराम जी, ऐसे कैसे जा रहे? ऐसे चीप निकाल करके कौन बोलता है यार? ये लोग क्या, मैं भी होती तो मैं भी भाग जाती वहाँ से। और बच्चे कुछ एक कसर इनकी बांसधारी चोटी पूरी कर देती है। कुत्ते की तुम सीधी हो सकती है मगर इसके बाल नहीं होते। Idiot. मैं मानती हूँ ये अनपढ़ है, बेचारी दिखाने के लिए इनकी बचपन में ही माँ मार डाली गई है। देवी मैया, तुझे तो मालूम है मेरी माँ बचपन में ही मर गई। लेकिन ऐसी हरकतें कौन करता है भाई? इनको शादी की नहीं साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इस मूवी में जो अपनी बांस सारी चुटिया वाली हीरोइन का मेकअप किया जाता है तो उसके साथ साथ उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाता है। यार ये कैसा मेकअप होता है? Idiot. इस मूवी में है कमाल का VFX। मैं ही इसका खोया हुआ पति हूँ। Idiot. इस मूवी में है कमाल के बैकग्राउंड बच्चे। क्या मां, शूटिंग चल रही है यहाँ, अभी वो आगे चल। और इस मूवी में है इंडियन वाइफ्स के लिए एक सी कि अगर आपको पति आप पे चीट करे तो आप बोलिए भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। Idiot. तो चलिए शुरू करते हैं नसीब अपना अपना की रेसिज्म से भरी हुई कहानी का सिलसिला। तो मूवी स्टार्ट होती है बेचारी चंदो से, जिसके काले रंग, बांस सारी चुटिया और हरकतों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही होती है। तो चंदो के पापा जाते हैं काशी विश्वनाथ, जहाँ उन्हें मिलते हैं अपने पुराने जिगरी दोस्त, और वो अपने लड़के की चंदो से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर ऋषि कपूर बिना लड़की देख के शादी करने से मना कर देते हैं। तो उनकी मम्मी कहती है, अरे बेटा उसका बाप 80 तोले सोना दे रहा है, मुझे परवाह नहीं, 15 एकड़ जमीन उसके नाम पे कर। बेसिकली तो बकवास। और उनकी शादी चंदो से हो जाती है, लेकिन चंदो के काले होने की वजह से ही डिसलाइक्स हर। लेकिन तभी उसी टाइम पे एक बंदे का मुंबई ट्रांसफर होता है, तो ऋषि कपूर अपनी काली बीवी से भागने के लिए उसकी जगह अपना ट्रांसफर मुंबई करवा लेते हैं। और तभी वहाँ उनको मिलती है एक सुंदर गोरी लड़की, और ये दोनों। इन सब के बाद गोरी लड़की कहती है शादी, और ये सुनने के बाद ऋषि कपूर जी यही हाल होता है प्ले बॉयज का जब उनकी गर्लफ्रेंड कहती है शादी। जब आप मैथ के पेपर में ज्योग्राफी पढ़ करके जाएं, जब आपके रिलेटिव्स जो आपने डिग्री ली है उसके मार्क्स पूछ ले, फिर ऋषि कपूर दोबारा से शादी कर लेते हैं। और क्योंकि ऋषि कपूर इतने दिनों से कोई घर पे चिट्ठी नहीं भेज रहे थे, तो अमरीश पुरी जी ऋषि कपूर को एक टेलीग्राम भेजते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उनकी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है। और ऋषि कपूर भागे भागे अपने घर आ जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि उनकी मम्मी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक, और उनके पापा ने उनको इसलिए बुलाया ताकि ऋषि कपूर चंदो को अपने साथ मुंबई ले जाएं, और वो चंदो को ऋषि कपूर जी के साथ भेज देते हैं। और ऋषि कपूर जी चंदो को रेलवे स्टेशन पे छोड़ करके अपनी सुंदर गोरी बीवी के साथ घर चले जाते हैं। फिर इनकी नई बीवी के भाई को चंदो रेलवे स्टेशन में मिलती है और उसको अपने घर ले जाता है एज अ नौकरानी। और चंदो देखती है कि उसके पति ने तो दूसरी शादी कर ली है, और वो कुछ नहीं कहती है। और फिर एक दिन ऋषि कपूर जी की नई गोरी वाली बीवी एक महंगे ब्यूटी पार्लर में ले जाती है चंदो को, जिससे चंदो हो जाती है सुंदर और गोरी, और उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाता है, जिससे ऋषि कपूर जी भी लाइक
अरे यार ये भी कितनी मस्त है, क्योंकि अब चंदो भी हो गई है गोरी। और जब ऋषि कपूर जी की नई वाली बीवी को चंदो और ऋषि कपूर जी के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है तो वो सुसाइड कर लेती है और मरते मरते कहती है, देखो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अब तुम्हारी लीगली एक ही बीवी है, नाउ इसके साथ एंजॉय करो। और हमें इस रेसिज्म से भरी हुई कहानी से आजादी मिल जाती है। अगर आपको कभी कोई घटिया स्क्रिप्ट वाली मूवी देखनी हो तो नसीब अपना अपना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर इस मूवी में अच्छे एक्टर्स ना होते तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा बेकार होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ऐसे रिवाइजेशन हर हफ्ते देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और तब तक के लिए इस मूवी में है अननेसेसरी टी सीरीज प्रमोशन। मैं सुपर कैसेट्स की तरफ से आज हमारी कंपनी भारत वर्ष में सबसे सफल कंपनी हो गई है। हमारी टी सीरीज के रिकॉर्ड्स और कैसेट्स देश के कोने कोने में बजाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी इसी तरह हमारी चुप बिल्कुल चुप।